बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपने चैनल पर चने वाला पुलाव बना सकेंगे। उसके लिए हमने 1.5 किलो चावल ले लिए हैं, इसको अच्छी तरह से धो लिया है, हमने साफ़ कर लिया है। ये हमारे 3 पाउच चने हैं, इनको अच्छी तरह से धो लिया है, खुश कर लिया। और ये हमारा एक बड़ा प्याज है, इसको हमने ऐसे काट लिया है। और ये हमारा थोम है पिसा हुआ, और ये हमारे 2 टमाटर है। अब हम आपको बनाने का तरीका बताएंगे। हमने एक डिगड़ी में 1.5 पाउ घी ले लिया है, इसको हमने गर्म कर लिया है। 1.5 पाउ घी की इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को ब्राउन कर लेंगे। घी को हमने गर्म कर लिया था, 1.5 पाउ घी लिया हमने, 1.5 किलो चावल था इसलिए 1.5 पाउ घी लिया। इसको हम ब्राउन कर लेंगे प्याज को अपने। ये देखिए हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम थोम डाल देंगे अपना और थोम को ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से, इसको भून लेंगे। ये देखिए हमारा थोम ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपने टमाटर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इसका मसाला बना लेंगे। ये देखिए हमने अपने टमाटर को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें अपने चने डालेंगे, इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए 5 मिनट हमने अपने चने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, इसमें हम नमक डालेंगे, इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, इसमें गरम मसाला डालेंगे, इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये देखो पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखो तकरीबन 2 से 3 मिनट इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए हमने अपने चने अच्छी तरह से भून लिया है और मसालों को भी अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए अब हम इसमें पानी डाल दिया है। अब तकरीबन इसको हम दम पे रख देंगे, अच्छी तरह से हम इसको दम पे रख देंगे। और जब इस ये बॉयल हो जाएगा पानी, उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। देखिए अब हम 5 मिनट के बाद खोल के देख रहे हैं। ये देखिए हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे, आराम आराम से सारे चावल डालेंगे। ये देखिए अब हम इसको आराम से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। आँच हमने नॉर्मल रखी हुई है। ये देखिए आँच हमने नॉर्मल रखी हुई है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट दम पे रख देंगे ताकि हमारा चावल पक जाए। अब हम इसको 3 से 4 मिनट बाद, यहाँ हम 5 मिनट के बाद इसको खोल रहे हैं। ये देखिए अभी हमारे चावलों में पानी है पड़ा। ये देखिए हम आराम से चम्मच मारेंगे। ये देखिए ये देखिए मज़ीद हम इसको 4 से 5 मिनट दम पे ठहराएंगे, लेकिन 1-2 दफ़ा चम्मच मारेंगे, लेकिन आराम से ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। अब 5 मिनट बाद देखेंगे हम इसको। हम इसको 5 मिनट बाद फिर से खोल के देख रहे हैं। ये देखिए हमारा पानी अच्छी तरह से सूख चुका है। अब हम इसको खुश्क दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट खुश्क दम पे रखेंगे। ये देखिए हमारा पानी सूख चुका है, इसको 10 से 15 मिनट हम खुश्क दम पे रखेंगे। आँच हमने नॉर्मल कर दी है, दम वाली आँच कर दी है। अब हम इसको दम पे रख देंगे। ये देखिए इसको हम दम पे रख देंगे। ये देखिए अब तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद हम इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए हमने अपने चावलों को तकरीबन 20 मिनट दम पे रखा था, अब हम इसको खोल के देखेंगे दम को। ये देखें हमारा चना पुलाव बन के तैयार हो चुका है। ये देखें अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें हमारा चना पुलाव बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, घंटी के बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।